फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सबाना नासरीन। कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। सो आज का जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत दिन से सिस्टर रिक्वेस्ट कर रही थी तो उसके लिए मैं वीडियो ला रही हूँ। इनका नाम है अशीफा नाम है और एक सिस्टर है वो भी बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रही है। उनका नाम भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। नाम में क्या रखा है तो मैं इनके लिए नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगी सिस आपके लिए। अभी मैं अशीफा सिस की जो डाउट्स है वो क्लियर करती हूँ। सो उन्होंने मुझे लेने के लिए बोला था द फेस सोप का डाउटर, द फेस सोप का उन्होंने मुझे कहा व्यू करो। तो सिस्टर का कमेंट भी मैं फ्लैश कर दूंगी। तो द फेस सोप का राइस क्लिंजर का उन्होंने मुझे कहा था कि मैं रिव्यू करूं। तो मुझसे जो मतलब तो जो है ये सकते हो आपको उल्टा दिख रहा होगा 621 रुपीज़ मेरे लिए। मैं इसको अभी अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकती अभी, क्या क्योंकि अभी अर्निंग नहीं है और एक्स्ट्रा अर्निंग मेरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और मैं अभी इसको ले भी नहीं सकती क्योंकि इसका प्राइस बहुत बट हाँ, मैंने भी रिसर्च किया है इसके बारे में, जितना भी देखा है तो ये एक कोरियन ब्रांड है, कोरियन प्रोडक्ट है। और इसमें क्या है ना कि ये के लिए यूज होता है, जैसे हम मेकअप कर लेते हैं मेकअप के बाद इसको क्लिंजिंग के लिए यूज कर सकते हैं मेकअप रिमूव करने के लिए। मैंने वीडियो में ऐसा ही देखा है, आज तक यूज नहीं किया। बहुत मैंने देखा कमेंट से, मैं सर्च करूँ ना हर किसी को इम्पोर्टेंस देती हूँ अपने वीडियोज में, जो भी मुझे कमेंट करता है इस चीज को अगर मुझे वीडियो चाहिए उस चीज को मैं बहुत रिसर्च करती हूँ। अगर मैं ले पाई अफोर्ड कर पाई तो मैं करती हूँ, अगर मैं नहीं कर पाई तो फिर तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको मैं अफोर्ड नहीं कर पाई बट मैंने जब से सिस्टर का कमेंट देखा था तब से मैं रिसर्च कर रही हूँ। तो इससे मुझे ये पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है ये कोरियन प्रोडक्ट है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये कोरियन प्रोडक्ट है और ये मेकअप को क्लीन करता है और उसको करता है। मैंने यही इसके बारे में देखा है कि आपका मतलब जब आप मेकअप करते हो उसके बाद आप जब आपको मेकअप रिमूव करना हो या कोई भी एक मेकअप रिमूवर से रिमूव कर लो या फिर डायरेक्टली भी आप इससे मेकअप को रिमूव कर सकते हो। तो यही है, ये राइस है तो राइस की बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा होती है स्किन पे। तो इससे आपका फेस क्लीन होगा, मेकअप क्लीन होगा। बट मैंने जब इसको ट्रैवल के लिए ढूंढा, जैसे कि आपको पता है सेटन एक कोई भी प्रोडक्ट को ट्रैवल के लिए मंगवा सकते हो जो ब्रांडेड या फिर बहुत ज़्यादा प्राइस होता है, जिस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा प्राइस होता है उसको आप एज अ ट्रायल के लिए छोटा एक पैकेट मंगवा सकते हो ट्रायल के लिए। तो मैंने वहाँ पे जाके सर्च किया क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। बट वहाँ पे ऐसा होता है उस ऐप में आपको 6 ट्रायल पॉइंट मिलते हैं, आपको सिर्फ 199 रुपीज़ खर्च करने हैं और आपको उसमें से 6 प्रोडक्ट मिलेंगे, छोटे छोटे मिलेंगे पर ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलेंगे। तो वहीं पर जाके मैंने सर्च किया था कि काश कि ये प्रोडक्ट मिल जाए। तो मैंने सर्च किया बट मुझे वहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं मिला। अगर मिल जाता तो मैं ट्रायल के लिए ज़रूर मंगाती, ऑर्डर ज़रूर करती क्योंकि 199 रुपीज़ ठीक है इतना तक मैं कर सकती थी बट बहुत ज़्यादा है 600। तो मैं 600 का प्रोडक्ट अभी अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकती सिस। तो मैंने फिर बाद में नहीं मिला ये, तो मैंने फिर इसको फ्लिपकार्ट से देखा जो कि मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाऊँगी, फ्लिपकार्ट वगैरह से देखा है। क्यों ये फ्लिपकार्ट का नहीं, ऑयली स्किन, ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए है। यहाँ पे स्किन टाइप भी लिखा हुआ है, ओनली ऑयली स्किन। और इसकी रेटिंग भी ठीक ही है, 4.5 की रेटिंग है। ये नाइका पे अवेलेबल है जहाँ पे इसका प्राइस 650 रुपीज़ है, नाइका पे 650 रुपीज़ इसका प्राइस है। राइस क्लिंजिंग वाटर है ये और ब्राइट भी करता है। मैंने बहुत रिसर्च किया, वीडियोस वगैरह देखे कि इसका क्या इफ़ेक्ट है क्या नहीं है। तो जब मैंने देखा इसका इफ़ेक्ट वगैरह तो इससे ये पता चला कि ये आपके फेस को क्लिंजिंग के साथ ब्राइट भी करता है, मतलब आपके स्किन
आपका स्किन टोन को ये ब्राइट करता है और आपके फेस को क्लीन करता है, बट इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। हो सके तो आप ले सकते हो तो ले लो, बारिश तंग करता है मुझको यहाँ। तो अगर आप ले सकती हो सिस्टर तो ले लो, क्योंकि मैंने रिव्यू तो अच्छा ही देखा इसका कि फेस को क्लीन कर रहा है, कोरियन प्रोडक्ट है, आप मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बट मेरा मानना ये है कि इतना इतना हेवी रेंज में अगर आप जाते हो तो ऐसे प्रोडक्ट ना ही लो। फेस क्लींजर के लिए, अगर आप मेकअप क्लींजिंग के लिए ही यूज़ कर रहे हो तो मिसिला वाटर ये सब आप यूज़ कर सकते हो, बाकी ये अच्छा होगा। बट मैंने यूज़ नहीं किया है आज तक, तो फिर मैं इसके बारे में बुरा भी नहीं बोल सकती, है ना। तो लेकिन मैंने जहाँ तक देखा स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग करता है, ये ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट देता है, और ओके है, उतना अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ में हम ज़्यादा मनी वेस्ट हो जाएगी, मुझे मेरा मानना यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा मनी वेस्ट हो जाएगा। 650 बहुत ज़्यादा है, 650 मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, आपके लिए भी ज़्यादा होगा सिस्टर। तो प्लीज़ इसमें इन्वेस्ट ना करें। अगर आप चाहती हो, अगर आपको चाहिए, अगर आप लेना चाहते हो, एक बार ट्राई करना चाहते हो, तो फिर आप ट्राई कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से नॉट गुड, क्योंकि ये फेस को क्लींजिंग करेगा, एक्स्ट्रा ब्राइट करेगा। और जो भी स्किन, जो भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे मैंने सुनीसा फाउंडेशन का ही वीडियो किया था, पता नहीं आपने उसको देखा या नहीं, उसको देख लेना। वो आपके फेस को एक्स्ट्रा ब्राइट कर दे रहा था, मतलब नॉर्मल, देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है कि हाँ नॉर्मल सा ही स्किन लाइट, मतलब नॉर्मल सा स्किन को एक ग्लो, एक मतलब नॉर्मल सा, आप जैसा आपका स्किन का कलर है वैसा, जैसा आपका स्किन कलर है वैसा लगता है। लेकिन अगर आप बाहर, मतलब थोड़ा चमकी चमकी इफ़ेक्ट लगता है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वो सुनीसा को बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरे, और ये जो क्लींजर है ये ओनली ऑयली स्किन वालों के लिए है। तो सिस्टर अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप यूज़ कर सकती हो, अगर ऑयली नहीं है तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में मनी वेस्ट मत करो। एक लोटस का ही क्लींजर ले लो, लोटस का क्लींजर बहुत अच्छा होता है लोटस का, बट गुड वाइब्स का बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैक्स ग्लो का क्लींजर भी मुझे ठीक ठीक लगता है, बस ग्लो के लिए ओके है, सही है, लेकिन इतना ज़्यादा मनी हम इसमें वेस्ट करें, और ये मुझे सही नहीं लग रहा कि इतना ज़्यादा मनी मैं इसमें वेस्ट करूं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, ये प्रोडक्ट आप मत लो। मैंने यूज़ नहीं किया और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती, 600 है और मेरी इतनी इनकम भी नहीं है, और YouTube से अभी तक बहुत वक्त लगेगा YouTube की अर्निंग आने में, क्योंकि $100 पूरे करने हैं और मेरा चैनल उतना आगे तक भी नहीं है, तो $100 पूरे करने हैं तो बहुत वक्त लगेगा $100 को पूरा करने में YouTube की अर्निंग।